गुना जिले में बीती रात फतेहगढ़ पुलिस शराब संचालक दुकानदार के कहने पर फतेहगढ़ पंचायत के थावरा के टापरों पर कच्ची शराब पकड़ने पहुंच गए। यहां पुलिस ने घर में घुसकर छानबीन की, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। पुलिस को विरोध नागवार गुजरा और महिलाओं की मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसमें रेखा नाम की महिला के चेहरे पर गंभीर चोट आई है और रेखा की भाभी को भी पैर में चोट आई। महिलाओं के साथ मारपीट होते देख लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और पथराव के बाद पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस आई, पुलिस ने हमको दारू ढूंढने आई तो दारू नहीं मिले और उन्होंने हमारा ऊपर हाथ उठा दिया और एक भाई को खून भी कर दिया, एक पत्थर भी मार दिया हमको और मुनीम खड़ा रह के मरवाया। कौन सा मुनीम? ये ठेका वाला मुनीम। कहाँ का ठेकेदार है? गिरिराज। और मेरे को मारपीट और करी और फ्रेश में 1200 रुपये थे वो भी सार ले गए, निकाल ले गए, मेरे को नहीं मिले वो तो ले गए वो। किसने निकाले? किरण फतेहगढ़ से आई और मेरे को मारने पीटने लग गई और वो ठेके वाले के साथ उनने लाए और हमें मार पीट कर रही और इस तरह से क्या मारा जाता है आप देख लो, ये खून भी उठ रहा। और कौन साथ में कौन आए थे? छोटा दरोगा और बड़े दरोगा जी भी थे और साथ में पुलिस वाले बहुत सारे। यहाँ पर एक बात साफ नजर आ रही है कि पुलिस इस आपात समय में शराब कारोबारियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। वहीं सूत्र बताते हैं कि पूरे लॉकडाउन में शराब कारोबारियों ने ब्लैक में दुगनी कीमत में शराब बेचकर चांदी काटी है, जिसमें पुलिस की सहभागिता इस घटनाक्रम से साफ उजागर हो गई।